और इसी बीच बागपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें बागपत में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी है। आंधी तूफान ने 10 मकान और 8 दुकानों पर अपना हमला और अपना असर दिखाया है, जिसकी वजह से तूफान में 10 मकान और 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान का भारी असर देखने को मिला है। और इसी बीच ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक गांव में 17 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही है, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तेज आंधी से करीब 110 बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से गांव में 17 घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बागपत से सामने आ रही है, जहां पर तेज आंधी की वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। 110 खंभे जो बिजली के थे वो गिर गए, जिसकी वजह से 17 घंटे तक बिजली आपूर्ति रही ठप। गांव में बिजली आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई। बागपत से बड़ी खबर, आंधी तूफान ने बेरहम तबाही बागपत में मचा दी है, जहां पर तूफान की वजह से 10 मकान और 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके साथ ही बिजली के खंभे भी तेज आंधी की वजह से गिर गए, करीब 110 खंभे बिजली की वजह जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं आंधी की वजह से, और इसी कारण गांव में 17 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बागपत से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बागपत में आंधी तूफान का भीषण असर देखने को मिला है। भीषण तबाही आंधी तूफान ने मचाई है, जिसके चलते तूफान में 10 मकान भर भर आकर गिर गए और 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। बागपत के बाद अब रुख करेंगे प्रतापगढ़ का, जहां प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ, बुलंद चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच प्रतापगढ़ से खबर सामने आई है, चोरों ने 2 दुकानों के ताले चटका दिए हैं और इसी के साथ ही ताला तोड़ने के बाद लाखों का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए चोर। लाखों का सामान, कपड़े और किराना की दुकान में हुई थी ये चोरी, जहां पर कपड़े और कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए हैं। चोरी के दौरान नकदी भी लेकर फरार हो गए हैं चोर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। जेठवारा के नवोदय विद्यालय के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां कुछ अज्ञात चोरों ने दुकान के अंदर घुसकर दुकान का ताला तोड़ा, दुकान में घुस गए और उसके बाद कीमती सामान, कपड़े और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। बता दें किराना की दुकान का यह मामला बताया जा रहा है। किराना की दुकान में 2 अज्ञात चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ताला तोड़कर लाखों के सामान की चोरी कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नकदी ले उड़े चोर, जेठवारा के नवोदय विद्यालय के पास ये चोरी की वारदात बताई जा रही है, जहां कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए हैं। तो बता दें दुकान का ताला तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जेठवारा के नवोदय विद्यालय के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर।